जी अटेंडेंस आप लोग मार्क कर चुके हुए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टाइप है इनपुट्स के अंदर जिनको हम जी स्पेस सर, करते वो हैं। मैंने रिमशा को अटेंडेंस का शूट लेके भेज दिया है। जी ठीक है जी। और हेडिंग है जी नेक्स्ट पोम, थर्ड टाइप है इनपुट्स की जिनको हम सफल इनपुट्स कहते हैं। पोम पोम में सिर्फ चार एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम दे रहा हूँ, दो से आप बहुत इसके तीन से आप वाकफ हैं, चौथा आपके लिए गैर होगा, नामों को चेक कीजिए। पहला है जी एप्पल, दूसरा है पियर, तीसरा है लोकार्ट, आई एम श्योर आप सब इनसे वाकफ हैं, चौथा है क्विंस। यू नो व्हाट इज क्विंस? जी को मालूम है पहले से क्विंस क्या चीज है, इसने खाई हुई है कि नहीं? सही, क्या चीज क्विंस सही? क्लियर नहीं हुआ, फिर से बोलना। क्विंस QUINCE स्पेलिंग है क्विंस। नो, चूंकि गैर मरूफ है ये फल हमारे यहाँ ऐसा नहीं पाया जाता, ये सिर्फ पंसालियों से मिलता है मुरब्बे की शक्ल में, उर्दू में इसको बेही कहते हैं। बेही का मुरब्बा लोग अजमेर से यूज करते हैं और इसके बीजों को भी अजमेर से यूज करते हैं, वो बेही दाना कहलाता है। पर ये थे सर, इसे जी उर्दू में क्या कहते हैं? बेही, बेही। अगर आपके हमें लिख के दे दो, अगर आपको ऐसा नहीं आ रही है उर्दू में लफ्ज लिख के भेज दो, जरूरत नहीं है। क्विंस को बही कहते हैं उर्दू में, और ये पंसारी से, अगर आप सिटी में रहते हैं तो फजल पंसारी से बही का मुरब्बा मंगाएं, पहले उसको देखें और फिर खाएं, बहुत मजेदार होता है जी। वजाहत है जी इनकी, ये बाई सिम कार्ड पिस्टल से बने होते हैं जो बाई लाटरी या मल्टी लाटरी हो सकती है, इनफिल्ड ओवरी के साथ। इसमें फ्रूट का मेजर हिस्सा जिसको हम खा रहे होते हैं वो थैलेमस से बना होता है, और असली फ्रूट अपने वाल के साथ वो अंदर वाला दरमियान वाला हिस्सा होता है, तो के एप्पल की सूरत में हम काट के बाहर फेंक देते हैं। ये इसका बेसिक तारुफ था। क्या देखिए कि पोम के अंदर हम एपिकार्ड, मेसोकार्पल, एंडोकार्प को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जो वो ड्रग नहीं होती, सिर्फ एक ही लेयर मौजूद होती है इसमें जो कि थैलेमस से डेवलप हुई होती है। जब सेब का छिलका काट रहे होते हैं तो वो छिलका एपिकार्ड नहीं होती है, वो थैलेमस का आउटर पोर्शन होता है। डिटेल वाली अपेक्षा बनी हुई है, और यहाँ से ऑनवर्ड आगे एप्पल और उसी के डेढ़ से ज़्यादा। एप्पल को जब आप देखते हैं काट के देते हैं खास तौर पर, तस्वीर आपके सामने कटे हुए एप्पल को पेज नंबर 172 पे देखिए। 172 पे एप्पल को पहले लंबाई के रूप में काटा है और फिर इसको ट्रांससेक्शन में काटा है। पहले लंबाई वाले को देखिए, जो आम चीज़ें हैं उन पे और स्टेमन्स एक साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं जो कि मुरझा चुके होते हैं, और इसी में पिथ और कॉर्टेक्स जो कि थैलेमस के पार्ट्स में नजर आ रहे हैं। पेरिकार्प जो कि टू फुट वाल सेब के बिल्कुल अंदर होती है, जहाँ बीज होते हैं इसको हम काट के नहीं देते हैं। कोर लाइन पिथ और पार्ट्स के दरमियान हल्का सा निशान नजर आ रहा है, जिसको ट्रांस सेक्शन में ज़्यादा भी देखा जा सकता है, और वहाँ से कलर कार्ड डिफरेंस भी नोट किया जा सकता है एक्चुअल सेब को काटते हुए। यही सब चीज़ें आपको टीस नजर आएंगे। टीस में आपको वाजह तौर पर पाँच ओवरीज या पाँच खाने नजर आ रहे हैं, पैंटालफ्रूट ओवरी के, और उसके अंदर बीज मौजूद हैं, जबकि बाकी सब चीज़ें वही थी। इसमें बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और पिथ वाले पोर्शन हैं, और इसमें वेस्कुलर बंडल्स भी महसूस किए जाते हैं। पर ये है जी ऑल अबाउट लोकार्ट, आपकी वाला एग्जाम्पल लोकार्ट की है। देखिए कि सेब, नाशपाती और बेरी का स्ट्रक्चर सेम है, जबकि जो लोकार्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है अपनी शक्ल सूरत के लिहाज से। इसमें भी जो फ्लैशी पोर्शन है खाने वाला एडिबल वो थैलेमस ही होती है, और सेंटर में से बारीक सी झिल्ली जिस तरह बीज होते हैं वो उसके पेरिकार्प और फ्रूट फ्रूट होते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक जो हमने शुरू किया था, मेन टॉपिक हमारा था फ्लैशी फ्रूट्स, वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हमें अगले टॉपिक चलना है। सर, ये आपका जी आपका सवाल नहीं था? सर ये ओवरीज के अंदर जो लोकलाइट का कंसेप्ट है, इसके ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसके बारे में दोबारा बता दें। ये आपको वापस जाना पड़ेगा, और जहाँ पे हमने कार पर या पिस्टल पड़ी हुई है वो वाली वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपको अवेलेबल है सारी सारी आपको, क्योंकि हम इसका प्रूफ पढ़ रहे हैं। वो ओवरी पिस्टल कार्पल जो कि फ्लावर का टॉपिक था, चौथा टॉपिक फ्लावर, वहाँ से दोबारा।